हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर से एक बार आप सबका बल्लू बाई एंटी चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारे पास टाटा की सुपर एसी मिंट जो मैंने आपको दिखाया अभी, वो गाड़ी है। और ये गाड़ी का हमने सब कुछ खोला है, मैंने यहाँ पे लैपटॉप भी लगाया ला इसको। और ये गाड़ी का प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स, ये गाड़ी इसका इंजन CR4 है और इसका ये मॉडल 2015 की है। और ये गाड़ी का प्रॉब्लम ऐसा है कि गाड़ी में चेक इंजन आ रहा था और चेक इंजन आने के जैसा चेक इंजन लग गया उसके बाद इसका पूरा पिकअप डाउन हो गया। और गाड़ी चालू है, गाड़ी बंद नहीं है, गाड़ी चालू होती है, भागती भी है, लेकिन पिकअप हल्लू लेती है। जैसे कि हमारा भागना चाहिए 80 की स्पीड में, नॉर्मल भागना चाहिए। 80 तक जाने के लिए उसको रोड मिलते हैं नहीं, मतलब 80 तक पहुँचती नहीं गाड़ी। तो ये प्रॉब्लम की वजह से कस्टमर ने हमारे पास लाया। तो ये गाड़ी को मैं चेक कर रहा था तो इसको ढूंढा, तो पहले तो जब स्विच ऑन किया, गाड़ी चालू किया, तो इसके MI लाइट जो बोलते हैं चेक इंजन, वो और जो कंफर्मेशन का लाइट, वो दोनों एक ब्लिंकिंग कर रहा है और एक कंटिन्यू लगा हुआ है। तो मैं चेक करने के लिए इसका सब टैपेट, इसका बोनट का कवर खोला, साइड का इंजन का कवर, इंजन का कवर खोल के जब मैंने देखा तो उधर कुछ दिखा नहीं। फिर मैंने जब लैपटॉप लगाया तो लैपटॉप में मेरे को एक प्रॉब्लम मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आप लोग के लिए दिखाऊं बताऊं, क्योंकि आप लोग के लिए भी ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग के पास बहुत से लोग स्कैनर नहीं है, लैपटॉप नहीं है। तो वो मेरा वीडियो देख के आप लोग नॉलेज मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा, यूज़फुल लगेगा। तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए बनाता हूँ, तो ये वीडियो पूरा देखना। तो फ्रेंड्स, आप लोग मैकेनिक भाई लोग के लिए, इलेक्ट्रिशियन लोग के लिए, ये जिनका खुद का गाड़ी, उन सब के लिए वीडियो है, तो लास्ट तक पूरा देखना। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको गाड़ी चालू करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको बता रहा है ये चेक इंजन लाइट है, ये कंटिन्यू लग रहा है, और ये वाला ये कंफर्म वाला लाइट है, ये ब्लिंकिंग कर रहा है। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ नज़दीक से, ये कंटिन्यू ब्लिंकिंग कर रहा है और ये लगा हुआ है, और इसमें पिकअप नहीं हो रहा है। देखिए, गाड़ी चालू है हमारा, गाड़ी हमारी चालू होती है। फ्रेंड्स, मैं रेस करके दिखाता हूँ आपको। रेस अच्छी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ पिकअप नहीं है। जब मैंने लैपटॉप लगाया तो मुझे कुछ और पता चला, तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए लैपटॉप में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा लैपटॉप है। ये लैपटॉप में क्या आ रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए, आप देख सकते हैं। मैं इसका फ्लैश बंद करता हूँ। ये देखिए, सिलेंडर नंबर 2 इंजेक्टर ओपन सर्किट, और स्टेटस उसका कंफर्म आ रहा है, मतलब कंफर्म ओपन है। सॉकेट उसका खुला है या वायरिंग टूटा हुआ है। तो मैंने जब ये एरर चेक किया तो बोला इसका तो दूसरा प्रॉब्लम है। फिर मैं सोचा क्यों ना इसको इंजेक्टर का चेक करें, क्योंकि 2 नंबर इंजेक्टर का दिखा रहा है। तो जब मैंने इसको देखा खोल के, तो इसका एक्चुअली इसका वायर टूटा हुआ है। ये देखिए, जो मैं गाड़ी बंद करता हूँ, ये देखिए, ये वायर मैंने अभी कट किया, क्योंकि इनको सैंपल देने के लिए मैंने सॉकेट कट करके उनको दिया है सैंपल के लिए। तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सॉकेट आ जाएगा तो जोड़ने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा दूसरा वाला। और दूसरा फ्रेंड्स, ऐसा कि ये जो वायर है देखिए, एक बड़ा है एक छोटा है, सॉकेट से टूटा हुआ है। ये देखिए, इसका वायर यहाँ से कट हुआ है फ्रेंड्स। ये देखिए, इसका वायर इतना कड़क हुआ है कि मैं ऐसा करता हूँ तो वायर टूट रहा है इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखो, ये उसका सॉकेट है, ये इसका सॉकेट है। देखिए, ये वायर इधर से टूटा हुआ था, एक ही वायर कनेक्टेड था, और ये दूसरा इधर से टूटा हुआ था, तो ये सॉकेट ऐसा ख़राब हुआ था। तो ये सॉकेट हमने अभी एक दूसरा सॉकेट लेके आया, क्योंकि ऐसे सॉकेट आजकल मिलते, पहले नहीं मिलते थे, पहले बहुत तकलीफ होता था। इसको शोल्डरिंग करो इधर से, बट ये फाइबर फाड़ के इधर से शोल्डरिंग करके बिठाओ, क्योंकि जिनको सॉकेट मिलता नहीं वो लोग के पास आइडिया है कि इतना डिस्टेंस है ना, इसको ये फाइबर ऊपर का प्यार से कट करके निकाल के अंदर जो वायर है ना, इसको आप शोल्डरिंग करके कर सकते हो, अगर इमरजेंसी में आपको सॉकेट नहीं मिल रहा है तो। परंतु मुझे तो मिला है, मैंने सॉकेट लाया है। ये देखिए, ये
ये कंपनी नहीं, ये बाहर से मिलता है ये दो वायर का। ये देखिए ये सॉकेट मिला है नया अच्छा, तो ये सॉकेट का बाहर देखने गए तो 100-200 के आसपास मिलता है, 100-150 के आसपास मिलता है। ये सॉकेट डाल सकते हैं आप लोग, लेकिन आप ये कंपनी में ऐसे ख़रीदेंगे तो आपको 300-400 रुपए लेंगे, क्योंकि ये सॉकेट इंजेक्टर का है तो इसका रेट ज़्यादा लगाते कंपनी वाले। तो आप लोग बाहर से ले सकते हैं, बाहर इंक्वायरी कीजिए, अगर बाहर नहीं मिल रहा तो कोई शोरूम में इंक्वायरी कीजिए, मिल जाएगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको अभी जोड़ के लेंगे, जोड़ के फिर मैं चालू करके आपको दिखाता हूँ, चेक इंजन जाता है कि नहीं, पिकअप बढ़ता कि नहीं, लैपटॉप में एरर क्लियर होते कि नहीं। तो वीडियो पूरा देखना फ्रेंड्स, भगाना मत। और मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करना। ये नया सॉकेट जोड़ रहे हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी इसका वायरिंग समझ में नहीं आता बहुत से लोगों को, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सेम रखना है, ये देखिए ये सॉकेट ऐसा उल्टा नहीं रखना है, ये सेम ऐसा रखना है, और इसके साइज़ में पकड़ना है आपको। कभी भी ज़्यादा करके लेफ्ट साइड में अर्थिंग आता है, राइट साइड में मेन आता है, तो वायर टू वायर ही मैच करने का आपको। कलर अगर उल्टा फुलटा भी रहेगा ना, जैसे इधर ब्लैक नहीं, इधर भी ब्लैक नहीं, ये ग्रे कलर का है डार्क, तो ये दोनों भी सेम ये साइड में रखना है, राइट साइड में राइट साइड रखना है, और सॉकेट कोई भी मैच करना है। हम लोग इसको अभी जोड़ के लेंगे। हमने जोड़ के लिया फ्रेंड्स, अभी सॉकेट लगाएंगे इसको। ये देखिए चिकट मार के लिए अच्छा, ये दो नंबर का सिलेंडर था, तो ये जो टाइमिंग रहता है उसके तरफ से, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो ये दो नंबर पे इधर लगाएंगे। ये देखिए इधर से खुला है, तो लगा के लेंगे, फिर गाड़ी चालू करके देखते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अभी इसको चालू करेंगे, इंजेक्टर का सॉकेट तो हमने फिटिंग किया है। फ्रेंड्स ये देखिए एक लाइट चला गया, दूसरा लाइट नहीं गया, तो उसको डिलीट करना पड़ेगा हमको। रेस तो अच्छा हो रहा है, अभी हेरर डिलीट करेंगे हम लोग, फिर जाएगा शायद वो। ये देखिए इधर हेरर आ रहा है, पहले इधर कंफर्म आ रहा था, कंफर्म आ रहा था सिलेंडर नंबर टू इंजेक्टर ओपन सर्किट कंफर्म, और अभी क्या आ रहा है सॉकेट बिठाने के बाद मेमोराइज, तो ये अभी डिलीट हो सकता है, क्योंकि कंफर्म रहे तो डिलीट नहीं होता। इसको डिलीट करेंगे, देखिए फ्रेंड्स नो डीटीसी फ्रेंड्स, डिलीट हो गए एरर। तो अभी चेक इंजन दिखाता हूँ आपको, ये देखिए पूरा लाइट चला गया। देखिए गाड़ी हमारा चालू है, वापस चालू करके दिखाता हूँ। देखिए पूरा एरर चला गया, तो लोग इसको ट्रायल मारेंगे, देखेंगे पिकअप आता क्या नहीं। फ्रेंड्स ये देखो हम लोग इसका ट्रायल मार रहे, ट्रायल पे आए लोग, आए हम लोग। अभी गाड़ी का स्पीड भी भाग रही है, पिकअप बढ़ गया फ्रेंड्स, कोई चेक इंजन भी नहीं लग रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं पिकअप, पिकअप एक नंबर आ गया है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पहले सेकंड में उठ रही नहीं थी, अभी सेकंड में उठ रही है। ये देखिए 80 के ऊपर भाग रही है हमारी गाड़ी अभी फुल। तो पिकअप हमारा आया फ्रेंड्स, ओके हो गया गाड़ी का प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स हमने चेक किया, इसका गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ओके हो गया। तो आप लोग को भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व लग रहे तो मेरे को कमेंट करना, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए
थैंक यू, बाय बाय। और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करना।